नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर में सारागढ़ी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, कहा शहीदों के स्मारक का किया जाएगा नवीनीकरण। जंडियाला गुरु में सीआईए स्टाफ और मोटरसाइकिल सवार आरोपियों में हुई फायरिंग, एक पिस्तौल, 32 बोर, 3 जिंदा रोंद, 3 खाली रोंद और एक मोटरसाइकिल सहित आरोपी किए काबू। संगरूर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 21 पिस्तौल किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। शहीदों की धरती फिरोजपुर में गुरुद्वारा सारागढ़ी शहीदी स्मारक पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन शूरवीरों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा सारागढ़ी के सौंदर्यीकरण के लिए जितना भी खर्च होगा वह पंजाब सरकार देगी। ये शहीदी स्मारक 6 महीने के अंदर बना दिया जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा रस पिंडा कीर्तन हो रहा सी और कीर्तन दे विच शब्द गाया जा रहा सी, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबू ना डरो। अरदास दे विच कहा जा रहा सी, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के। अज दा जिहड़ा इह समागम है ये उन्हां सूरमियां नूं, उन्हां शहीदां नूं याद करके, उन्हां नूं श्रद्धांजलि दे के अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं एक ऊर्जा देण वाला समागम है कि किवें साडे पुरखियां ने लड़ाइयां लड़ियां, किवें साडे शहीदां ने, गुरुआं ने मजलूमां दे हक च खड़न दा ते लड़न दा सुनेहा दिता, वह सानू याद रखना चाहिए। जिहड़ियां कौमां अपना विरसा भुल जांदियां ने, वह कौमां रुल जांदियां ने। इक्की ओ जांबाज सिख रेजिमेंट दे सूरवीर बहादुर सैनिक जिन्हां ने 10,000 तो वध फौजां नाल लोहा लिया, भज्जे नहीं। और ये 21 वर्सिज 10,000 ये जिहड़ी जंग है ना, ये दुनिया दियां बहुत टॉप दियां 10 जंगां दे विच इहदा जिक्र हुंदा है। दुनिया भर के जिन्ने राइटर होए ने जां जिन्ने मिलिट्री बेस्ड एनालिसिस होए ने, उन्हां च इस जंग का जिक्र हुंदा। क्योंकि
ਉਹ 21 ਨਹੀਂ ਸੀ 21 ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। जंडियाला गुरू में CIA स्टाफ की ओर से की गई नाकाबंदी के दौरान दो बाइक सवारों को चेकिंग करने के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उक्त आरोपियों द्वारा अपनी बाइक को भगाकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO लवप्रीत सिंह ने बताया कि CIA इंचार्ज की ओर से जंडियाला गुरु पुलिस के साथ नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार आरोपियों को रुकने का इशारा किया गया, जिनकी ओर से मौके पर से भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी गोलियां चलाई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार की टांग में गोली लगने के कारण वह गिर गया, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हीरा सिंह और हरप्रीत सिंह, दोनों निवासी गाँव ठठियां के तौर पर हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये दोनों आरोपी हैप्पी जट ड्रग गैंग के सदस्य थे और हैप्पी जट के कहने पर कत्ल को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 32 बोर, 3 जिंदा रोंद, 3 खाली रोंद और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, अज साढ़े जो SP BGO साहब के हुक्म होया से भी सारे थाने में स्पैशल नाकाबंदी की जान, जिसे CA स्टाफ वालों साढ़े थाना जंडियाले के एरिए नाकाबंदी की गई, तो मेरे वालों भी अपनी टीम ने थोड़ी होर जगह पर नाकाबंदी की हुई थी, जिस एक मोटरसाइकिल सवार दो मुंडे जिते CA पार्टी AC हरजिंदर की पार्टी थी, उत्थे वो दो मोटरसाइकिल आए हैं। जो पुलिस पार्टी ने वेख के मुड़न लगे तो उन्हों का जो मोटरसाइकिल यकदम स्लिप हो गया, उस तो बाद ही अपना बचने लिए पुलिस पार्टी से फायरिंग शुरू करती है। वो जी एक अपना दोषी है साढ़ा 302 का पहला नाम जो हो चुका है, 302 का मुकदमा होया थोड़े दिन पहला रामचरण सिंह से गोलियां मार के उन्होंने कदम किया गया इसे जंडियाले ही, वह दोषी बाईनेम नाम जो हो चुका से पहला ही। उस दोषी ने जोड़ा ना डायमंड है हीरा सिंह डायमंड ठटियां पिंड है, उन्हें पुलिस पार्टी जो पैर किया तो पुलिस पार्टी ने बड़ी हशियारी CA स्टाफ की पार्टी ने उत्ते अगे जवाबी जोड़ा जवाबी फायर किया, जिद लत्त से दो गोलियां बचिया ने, उस तो बाद काबू किया साथी हरप्रीत हैप्पी काबू किया, दोवों को काबू करके मौके पर मैं गया जी, तो असी बनती कार्रवाई करती हुई है। यह दसा जा रहा कि मेन गैंगस्टर हरप्रीत सिंह हैप्पी जट के जेडे दोवें सरगना है गए? नहीं, ये हरप्रीत हैप्पी जोड़ा असी फड़िया वो अगे हैप्पी जट के लिए काम करता सी, ये दोवें वे बंदे ने, इन्होंने कतल भी पेला एक 307 का केस भी साढ़े को जिन्हें तफ्तीश भी इन्होंने किया, होर भी इन्होंने काफ़ी लुटा खोह इदा दारदात गोली चला वाली की हुई जी इन्हों को पुछगिछ दौरान सामने आनगी। संगरूर पुलिस ने 21 पिस्तौलों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADGP मुखविंदर सिंह छिना ने बताया कि संगरूर के महिला चौक में बस बदलने के लिए बस से उतरते समय तलाशी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 21 पिस्तौलें बरामद हुई थी। ये लोग मध्य प्रदेश से बस के जरिए एक बैग में भरकर ये पिस्तौलें ला रहे थे। आरोपियों की ओर से खरड़, रोपड़ और नवा शहर जिलों में इन हथियारों के साथ फिरौती जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देना था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फिरोजपुर जेल में बंद एक गैंगस्टर राजीव कौशल उर्फ गुगलू भी शामिल है, जो इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। उन्होंने बताया कि आरोपी बलजिंदर सिंह और राजीव कौशल के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। विदेश से अक्सर ही नौजवानों की मौत की खबर सामने आती रहती है, लेकिन संगरूर के खोखर गांव के एक गरीब परिवार के लड़के की विदेश से वापस आते समय अमृतसर साहिब में कोई जहरीली चीज निगलने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं पारिवारिक सदस्यों का आरोप है कि उनके बेटे को ट्रैवल एजेंट ने धोखे से टूरिस्ट वीजे को वर्क परमिट कहकर विदेश भेज दिया था और विदेश से उसे डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके चलते उसने अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कोई जहरीली चीज निगल कर आत्महत्या कर ली।
क्योंकि वह धोखे का शिकार हो चुका था। तो वहीं अब परिवार के लोग और गांववासी मृतक को इंसाफ दिलाने के लिए, जिनकी वजह से उसकी मौत हुई है, पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रैवल एजेंट पर मामला दर्ज नहीं होता, तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। साढ़े बेटे नाल जी साड़ी परसों गल हुई थी, मुड़ के गल नहीं हुई जी। जो बीती है सानू कोई पता नहीं, वो एजेंटा नू पता जी। असी पैसे ला के साडा पुत उहदे डैडी ने पता नहीं कितों लिआंदे ने कितों ना जी, सानू असी पैसे ला के भेजता ती जी। सानू अगे कोई पता नहीं भी की बीती है की ना जी मेरे बच्चे नाल। असी जी मैं उहदी मम्मी दी जी, मैं उहदे फोन ते फोन लाई गई, अगे मुलाजमां ने फोन चक्या जी। मैनू कहिंदे लखविंदर दी मम्मी बोलदी है जी। मैं कहा हाँ जी, कहना भाई लखविंदर नू भी अटैक हो गया भी अंबरसर। मैनू पता जी, मैं मार के कंध च टक्कर मैं बाहर भज ली जदों मैनू पता लग्या। इदू बाद जी साडी कोई गल नहीं हुई है जी। वो जंटा नू पता भी की बीती है की ना जी। असी गल कीती उहदे नाल फोन ते, कहिंदा मेरे नाल एजेंटा ने धोखा करिया। कहिंदा मैनू कहिंदे ने भी तेरा वीज़ा वर्क बेस ते लवाया गा। उन्होंने कहा कहिंदे तेरा वीज़ा तां टूरिस्ट वीज़ा गा 28 दिन का, सानू नहीं पता साथों किन्ने लख भराए उन्होंने। मेरा बाप लिया पैसे कौन सी एजेंट? एजेंट दीप सीगी, जेड़े मुंडे ने नाल उहदा कम करवाया सी ओ बिट्टू सीगा। बिट्टू कित्थे रहण वाला? बिट्टू खंडेवाद दा रहण वाला। इन्हां दा सारे दा सारा ग्रुप है, जिन्ना चिर इकट्ठा नहीं किया जाता उन्ना चिर लाश उधर पई है साडे कोल, उन्ना चिर असीं लाश अज साढ़े पिंड खोखर कलां दे विच रखी हुई है। पिंड की पंचायत की जथेबंदियां की सहमति नाल, लोगों के पिंड के लोगों की सहमति नाल, कल नूं असीं जे ना ये मामला पुलिस प्रशासन ने इहदा कोई हल ना किया, कल नूं असीं फिर DSP साहब दे बार दे विच लाश रख के, जे सानूं जिन्ना भी प्रदर्शन मर्जी करना पैजे, असीं परिवार नूं इंसाफ है जिहड़ा दबाए बिना उन्ना चिर दम नहीं लवांगे। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए चुने प्रधान भूपिंदर सिंह असंध और उनकी समूची अंतरिम कमेटी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने से पहले वे गुरु घर का आशीर्वाद लेने आए हैं। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब में भी नतमस्तक होने के बाद उन्होंने कहा कि गुरु घरों की देखरेख और सिखी के प्रचार की सेवा करने के लिए श्री गुरु रामदास के दर पर आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। उन्होंने हरियाणा के सिखों को अधिक से अधिक वोट बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज साड़ी सारी टीम एग्जीक्यूटिव दी कमेटी दी टीम सारी धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज, धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज मीरी पीरी दे मालक। पहलों धन गुरु रामदास के दर नतमस्तक होए हाँ, मत्था टेकया, आशीर्वाद लिया है। धन गुरु रामदास ने बड़ी अपार बख्शिश की। हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अपना हरियाणे दे विच अपना आकार बनया है। वधिया कम, वधिया कारोबार, गुरु घर दे सेवा संभाल धर्म प्रचार के विच डुटे हाँ पूरे मन तन धन नाल। अज इतों आशीर्वाद लैके जाएंगे। पहलों इतों आशीर्वाद लेना सी जदों मैं बनया, मान साहब नूं आख्या, वीनर साहब नूं, गुरबख्श जी नूं, करोके वाला साहब नूं, मंगियाणा साहब नूं, बलदेव सिंह खालसा नाल सारिआं नाल सलाह होई, पहलों गुरु रामदास के दर के दर्शन करिए फिर कम संभालांगे। सानूं मन च खुशी है, पहलों गुरु रामदास के दर के दर्शन किए ने, हुण उपरंत जाके कम संभालांगे। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड के आज़ाद नगर में एक गुरुद्वारा साहिब को लेकर गुरुद्वारा कमेटी और मोहल्ला निवासियों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान मोहल्ला वासियों ने गुरुद्वारा साहिब की कमेटी को भंग कर नए प्रधान को चुन लिया। मोहल्ला वासियों ने कहा कि ये कमेटी उन्होंने ही बनाई थी। उन्होंने कहा कि ये तीसरे मोहल्ले का रहने वाला है और गुरुद्वारा साहिब की गुल्लक पर हाथ साफ करता है, इसलिए अब इससे गुरुद्वारा साहिब की सेवा छीन ली गई है। वहीं जतेंद्र सिंह बाबा का कहना है कि वे काफ़ी देर से सेवा कर रहे थे लेकिन लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। उसने कहा कि नए बने प्रधान की ओर से धोखाधड़ी की जा रही है। तो वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जतेंद्र सिंह झूठ बोल रहा है,
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि गुरुद्वारा साहिब के दो ग्रंथी सिंघों का आपसी विवाद था, जिसे हल करवा दिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जेड़ा ना तिना महीने का इल्जाम लाया इन पुछ साबित कर दा, बिल्कुल झूठा बंदा एक नंबर का। एक मिनट, तीन दिन पहले इन्हें बारो तख्ती लगी आ बाबा गुरनाम सिंह की, इन्हें पाड़ी आ। हाँ जी, उस दिन तो बाबा गोमी हो गया बेचारा कि मेरी उन्हें इंसल्ट इन्नी फील की थी। तो यह बंदा अज उठ के कह दिया कि ऐ तो जो कि तू टेंशन उन्हें मिली, इन्हें तख्ती पाड़ के अंदर कूड़े वाले डब्बे जो सुटती। हाँ जी, वो हैगी है जी, बिल्कुल सारे हर गल का सबूत है जी का। इन्हें जो बाबे नू माड़ा जगह बोलता रहा, हर चीज़ का सबूत है साढ़े को, यदि हर चीज़ का यद कली कली गल का सबूत हैगा कि इन्हें बाबे नू टारगेट किया। अपना कमेटी नाल ग्राही करा के आ रहा सी, ते मैंने मतलब कि अंदरों ये भी निकले, तो इस बार दुकान हैगी है, दुकान तो इतने मेरे मतलब कि इन्हें लगा कि मेरे को पैसे है। एक मैंने गलों फड़िया इतों, तो मैं मतलब कहते मतलब कि तेनों अंदर लम्बे पाँ ते मतलब विछाणा तेनू। ये दो जाने, एक जतेंद्र सिंह हैप्पी ते एक कुलविंदर सिंह हीरो। अगे भी इन्होंने एक करी मेरा राह रोकया सी इत्थे, मैं गुरुद्वारा साहब तो शाम के समय मतलब कि अपने कोई निजी मतलब काम वास्ते जा रहा सी, ते इन्होंने पहले अपने हाथ आ रहे मंग यही करते कि मतलब कि रोज़ रोज़ के एक मतलब कि झंझट तो मतलब कि मुक्ति मिले। सबका प्रधान आ आपे बनया, इन्हू किसी ने नहीं बनाया, ये इतने लुट खसोटे ने बड़ी चलाई, इनू हूँ गुरुद्वार कढ़िया गया वा, इस महल का भी नहीं गा। ये तीजे महल्य उठ के सारे गुरद्वरे छड़ के इनू यो गुरद्वारा मिलता वा, सारे महल्या गुरद्वरे आ। इतने आँदा वा माड़ी नीत नाल भई इतने कब्जा करा, फिर ये बच्चों किसी ना कभी किसी के गल पा, कभी किसी के गल पे, अज बच्चे गल पिया वा जी। पर ये लोगों ने हटते इल्जाम लाना शुरू करता कि तू ही बाबे नूं तंग किया, उन्हें मारिया। असल च कारण विच होर ही, जो आप किसी नूं बाबे नूं कहने ना ओए बाबा, आप कहने ना ओए बाबा चाह बना के लिया, वो बाबा आ नहीं करूं तीन महीने की तनखाह ना दबो, उत्ते दबके मारो, उत्ते की बीतूगी। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਮੀਟ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। श्रोमणी जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह का जन्म दिवस जहां संगतों द्वारा अमृतसर के गुरु नानकपुरा के गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह में बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया, तो वहीं इस गुरुद्वारा साहिब के सुधार और देखरेख के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रोमणी अखंड पाठी वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य सेवादार सुखदेव सिंह और इलाकावासियों ने बताया कि बाबा जीवन सिंह का जन्म दिवस इलाकावासियों की ओर से बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया गया, तो वहीं मौजूदा इलाकावासियों ने इकट्ठा होकर फैसला लिया है कि इस गुरुद्वारा साहिब की देखरेख के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी गुरुद्वारा साहिब की इमारत की मुरम्मत रंग रोगन के अलावा जो भी काम बाकी है उसकी सेवा निभाएगी और हर सप्ताह यहाँ धर्म प्रचार और गतका सिखलाई के लिए अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे और बच्चों को सिख इतिहास से अवगत करवाने और सिखी के प्रचार एवं प्रसार के लिए बंती सेवा निभाई जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। संगत जड़ी है गुरु नानकपुरा इलाके की, ये सारी संगत जड़ी है इकत्र हुई है, क्योंकि जो गुरुद्वारा साहब एक बार फोटो विखा दिए जी पिछले बन्ने, तो गुरुद्वारे के प्रबंध में वेखदे हो पिछले दिन काफ़ी कोई 2 महीने तो ही कसम कस चल रही थी, तो ना तो कोई गुरुद्वारे साहब का कोई प्रबंध आ, ना कोई कलियाँ, ना कोई रोगन, ना कोई इतने प्रचार का काम किया जाता, ना कोई धर्म प्रचार का, ना कोई संगत के बैठने विशेष प्रबंध किए गए हैं, ना कोई अंदर दरिया बैठने वास्ते संगत दे। एक ही बंदा जड़ा वो तकरीबन 40 साल तो इतने मतलब अपना आप ही जमा के वो बैठा सीगा, उन्हें किसी ने प्रधान नहीं चुनिया, किसी ने कोई कमेटी नहीं बनी, है साध संगत सारी यदी गवाह है इस गल दी। अज संगत ने सारी ने इकत्र हो के फैसला लिया भी असी इतने 5 मैंबरी या 7 मैंबरी कमेटी चुनी, संगत की मीटिंग हुई आ। इस मीटिंग दे विच संगत ने ये मैंबरां नूं जिहड़ा प्रबंध है गुरुद्वारे साहब का समुची संगत ने
सौंप दिता, इन कमेटी बना दी गई है। श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से 11 से 17 सितंबर तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत साइंदा स्कूल की ग्राउंड में हुई। कथा के पहले दिन की शुरुआत श्री गणेश आदि देव पूजन के साथ हुई, जिसके बाद श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा एवं मंगलाचरण की शुरुआत हुई। कथावाचक विश्व विख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सभी का अभिनंदन किया। कथा के मुख्य यजमान सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता राजू मदान, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी रहे। कथा व्यास आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा के पहले दिन की शुरुआत करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके पाप किसी न किसी रूप में मुक्त हो जाते हैं। इस दौरान आचार्य गौरव कृष्ण कुमार महाराज ने सुंदर मनमोहक भजनों को सुनाकर उपस्थित प्रभु भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। कथा प्रारंभ से पहले श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से व्यासपीठ की आरती भी की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपेंद्र सिंह बिल्ला, अश्विनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा, विकास ग्रोवर, राहुल भारी, राजवंश मल्होत्रा, राजेश बीगामल, तरुण सरीन, अरुण मल्होत्रा, देवेंद्र अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार, सोनू हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, देवेंद्र वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, सौरभ शर्मा, राकेश महाजन, राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Shishupala Balamukundam
कि जो तालियां बजी है ना, अभी तो आगे कितना झूमना है, कितना मस्ती लूटनी है, पर सच बताऊं आपकी ये जो तालियां बजी हैं, तालियों से ही पता चल गया कि मैं पंजाब आ गया। जालंधर हाइट्स 2 स्थित स्मार्ट होम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन समाज सेविका तथा श्री देवी तालाब मंदिर संकीर्तन मंडली की सदस्य एवं जालंधर हाइट्स 2 स्थित स्मार्ट होम की संकीर्तन मंडली की प्रधान सीमा गल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले झूले में विराजमान श्री कृष्ण को सभी भक्तों ने झूला झुलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूनम दीदी ने अपने मनमोहक भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम के दौरान रास कलाकारों ने रास कर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर संदीप खुराना, हरीश सिक्का, सुरेंद्र नागरा, रिशु चावला भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बाल कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने स्वप्न में आकर बोल दिया था कैसे कैसे करना है। वहां टोकरा भी पहुंच गया और वासुदेव जी को बोला गया, वासुदेव श्याम सुंदर टोकरे चपालिया, वासुदेव श्याम सुंदर टोकरे चपालिया, टोकरे नु प्रेम नाल सिर से उठा लिया, सोंगे सारे पहरेदार निकले कारागर चौबार, निकले कारागर चौबार, फुल गए जंगले ते फुल गया हथ कड़िया, कृष्ण ले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्हों के मीडियम राही घर घर एमएसई पहुँचता, घर शहर शहर एमएसई पहुँचता, सब तो ज्यादा उन्होंने धन्यवाद जिन्होंने एक हिंदू संगठन इकट्ठा किया और उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग में खुदरा बिक्री मानकों को फिर से परिभाषित करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने नकोदर में रोमांचक बेस्ट शॉप खोली है। देश में खुदरा वातावरण की वर्तमान चुनौतीपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए इस बेस्ट शॉप का उद्घाटन निदेशक हॉन्ग जू जियोन, सेल्स हेड संजय चटकारा, वरिष्ठ क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रबंधक नवनीत करकरा, शाखा प्रबंधक प्रमुख हिमांशु कालानी द्वारा किया गया। एलजी बेस्ट शॉप का उद्देश्य आज के परिष्कृत बाजार में खरीदारी के अनुभवों को बढ़ाना है
और ये एक घर की सभी डिजिटल जीवन शैली की जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर होंग जू जियोन ने कहा कि उनका प्रयास एक ऐसा स्टोर बनाने का रहा है जो ना केवल अलग दिखे बल्कि एलजी ब्रांड के मूल्यों को भी प्रदर्शित करे। एलजी बेस्ट शॉप की परिकल्पना परम खुदरा ब्रिकरी अनुभव के रूप में की गई है जो नवाचार गुणवत्ता और उत्कृष्टता की अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ तालमेल बिठाता है। इस मौके पर आर्को इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अनिल महेंद्रू, आशीष महेंद्रू, तरण महेंद्रू भी मौजूद रहे। नकोदर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। मैं हिमांशु कलानी, ब्रांच मैनेजर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जलंधर, और मेरे साथ माननीय श्री 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 अनिल महेंद्रू जी, जिन्होंने एलजी के साथ मिलकर हमारा दूसरा शोरूम खोला है नकोदर शहर में। इस शोरूम, ये 1900 स्क्वायर फीट का शोरूम है, वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम इन इट्स वेसिनिटी। अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले देखेंगे तो यहाँ पर हर तरह का डिस्प्ले लगा है, प्रीमियम रेंज लगी है। यहाँ पर आप 75 इंचेस के टीवी से लेकर के 32 इंच का टीवी आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी ओलेड टीवी, क्यूनेड, एंड अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर साइड बाय साइड, नॉक नॉक साइड बाय साइड, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो कि किसी ब्रांड में आपको पूछने पे नहीं मिलेगी, 21 किलो की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन विद 12 किलो केजी ड्रायर हमने यहाँ पर लगाया है। अगर आप रेंज की बात करेंगे तो इससे बढ़िया रेंज इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास के किसी नकोदर प्लस आसपास के किसी भी शहर में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। ये अपने आप में एक फ्लैगशिप स्टोर है इस शहर के लिए। और सब तो बड़ी चीज़ है, इस कंपनी की खासियत है एक कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है, कस्टमर का सब तो ज़्यादा ध्यान रखती है और टाइम टू टाइम जो प्रोडक्ट दिंदी है जो साड़ी इंडिया की रिक्वायरमेंट है और इंडिया जिस तरह की चीज़ा चाहिए ट्रॉपिकलाइज चीज़ा जो रेफ्रिजरेटर देता तो इंडिया के मुताबिक देता है, ये नहीं है कि इंटरनेशनल रेफ्रिजरेटर लिया के देता, वो इतने के मौसम के मुताबिक नहीं चलिया। जो आज का बेस्ट रेफ्रिजरेटर हैगा इन्हों का, और सब तो वड्डी चीज़ ये है कि आफ्टर सेल सर्विस, ये कस्टमर ने जिहड़ी सर्विस और इंस्टॉलेशन इन्हों की वन ऑफ द बेस्ट है। उस तो बाद सब तो वड्डा बेनीफिट ये है इन्होंने जिन्हें भी स्टोर इन्हों के फ्लैगशिप स्टोर हैगे है उत्थे एक स्पैशल इंश्योरेंस दिती जाती है जिदे विच कोई भी चीज़ नू अग लग जाए, टुट जाए, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, उहदी क्लेम मिलता है जिहड़ा भी कस्टमर तो परचेज करेगा। उस तो बाद टाइम टू टाइम जिहड़े इन्हां जिन्हें भी प्रोडक्ट हैगे है कंपैरिजन दे विच जितने अदर ब्रांड्स किसे कंपैरिजन देखोगे डिफरेंट होंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर में सारागढ़ी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, कहा शहीदों के स्मारक का किया जाएगा नवीनीकरण। जंडियाला गुरु में सीआईए स्टाफ और मोटरसाइकिल सवार आरोपियों में हुई फायरिंग, एक पिस्तौल, 32 बोर, 3 जिंदा रोंद, 3 खाली रोंद और एक मोटरसाइकिल सहित आरोपी किए काबू। संगरूर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 21 पिस्तौल किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।